सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शाओमी की न्यू स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में। शाओमी ने इंडियन मार्केट में अपने नोट सीरीज की एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। उस स्मार्टफोन का नाम है शाओमी रेडमी नोट 5 और शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो। इस स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। दिल्ली में एक इवेंट में इन दोनों स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है और ये स्मार्टफोन भी मी ने जो अपनी टीवी लॉन्च करी है 4 सीरीज़ की, उसके साथ ही लॉन्च किया गया है। ये दोनों ही स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट के ज़रिए सेल किए जाएंगे। इसके अलावा हैंडसेट mi.com और मी होम रिटेल स्टोर पर भी अवेलेबल होंगे। इन स्मार्टफोन की सबसे अहम खासियत इसमें 18:9 रेशियो वाली डिस्प्ले दी गई है और इसकी डिस्प्ले 5.99 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इसमें सेल्फी लाइट मॉड्यूल और 4000 mAh जैसी बैटरी इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशंस हैं। Xiaomi Redmi Note 5 सीरीज़ के दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन लगभग एक जैसी ही हैं। वैसे आपको Redmi Note 5 Pro में डुअल रियर कैमरा मिलेगा, इसके साथ फ्रंट कैमरे का भी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं Xiaomi Redmi Note 5 के इंडिया में प्राइस और लॉन्च ऑफर की। इंडिया में Xiaomi Redmi Note 5 की प्राइस 9,999 रखी गई है और इसमें स्पेसिफिकेशंस 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। कस्टमर्स को इसका 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी अवेलेबल रहेगा, जिसकी प्राइस 11,999 रुपीज़ होगी और यह फ़ोन ब्लैक, ब्लू, गोल्ड और रोज़ गोल्ड कलर में अवेलेबल होगा। दोनों ही वेरिएंट की सेल फ्लिपकार्ट mi.com और मी होम स्टोर पर 20 February से स्टार्ट होगी। Xiaomi Redmi Note 5 Pro की इंडिया में प्राइस और लॉन्च ऑफर की बात करें, Xiaomi Redmi Note 5 Pro को इंडिया में 13,999 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है और इसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट है। इसके अलावा 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी है, जिसकी प्राइस 16,999 रुपीज़ है। Redmi Note 5 की तरह Redmi Note 5 Pro के भी दोनों वेरिएंट की सेल फ्लिपकार्ट mi.com और मी होम स्टोर पर 21 February से स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं Xiaomi Redmi Note 5 के स्पेसिफिकेशंस की। तो डुअल सिम Xiaomi Redmi Note 5 Android 7.0 Nougat बेस्ड MIUI 9 पर रन करता है और इसमें 5.99 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है। इस डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1080p x 2160p दिया गया है। स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो 18:9 है और इस फोन में ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2 GHz है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 506 GPU इंटीग्रेटेड किया गया है और रैम के बेस पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3GB और 4GB। जो भी आपको पसंद हो आप चूज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर को रियर पैनल पर दिया गया है। Xiaomi Redmi Note 5 में 12 MP का रियर कैमरा है, जिसका अपर्चर f2.2 है। ये फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और LED फ्लैश मॉड्यूल से लैस है। फ्रंट पैनल पर 5 MP का सेंसर दिया गया है। ये LED सेल्फी लाइट मॉड्यूल और ब्यूटीफाई 3.0 ब्यूटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है और स्टोरेज के बेस पर भी इसके 2 वेरिएंट हैं, 32GB और 64GB। दोनों ही फ़ोन स्टोरेज microSD कार्ड के ज़रिए एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन इस फ़ोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। Xiaomi Redmi Note 5 के कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इसमें 4G वोल्टी का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही वाईफाई, ब्लूटूथ, 3.5mm हेडफोन जैक, माइक्रो USB जैसे फीचर्स शामिल हैं।
बैटरी 4000 mAh की दी गई है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और इसका वेट 180 ग्राम है। अब बात करते हैं Xiaomi Redmi Note 5 Pro के स्पेसिफिकेशंस की। तो Redmi Note 5 की तरह डुअल सिम Xiaomi Redmi Note 5 Pro Android 7.0 Nougat based MIUI 9 पर रन करता है। इसमें भी 5.99 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है और इसमें भी डिस्प्ले 18:9 वाली दी गई है और इसमें प्रोसेसर 1.8 GHz वाला Snapdragon 636 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए 509 GPU इंटीग्रेटेड किया गया है जबकि Note 5 में 506 GPU इंटीग्रेटेड किया गया था। रैम के ऑप्शंस 2 हैं इसमें 4GB और 6GB जबकि उसमें 3GB और 4GB थे। इस हैंडसेट में भी फिंगरप्रिंट सेंसर रियर पर दिया गया है। Xiaomi Redmi Note 5 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। रियर पर एपर्चर f2.2 के साथ 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एपर्चर 2.0 के साथ 5 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा, दो कैमरे दिए गए हैं। डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ LED फ्लैश मॉड्यूल भी दिया गया है। फ्रंट पैनल पर 20 मेगापिक्सल का Sony IMX376 सेंसर दिया गया है। Xiaomi Redmi Note 5 Pro के दोनों वेरिएंट 64GB स्टोरेज के साथ आते हैं और इसमें भी ज़रूरत पड़ने पर माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए एक्सपेंड कर सकते हैं हम इस स्मार्टफोन की मेमोरी को भी। कनेक्टिविटी फीचर्स भी सेम ही हैं और बैटरी भी सेम दी गई है 4000 mAh की और इसका वेट 181 ग्राम है, यानी 1 ग्राम ज़्यादा है ये Xiaomi Redmi Note 5 से। तो बस इसमें इतना ही कंपैरिजन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं या कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।